गाइज, अगर आपके पास कोई सा भी फ़ोन है, शाओमी का है, रेडमी या फिर पोको का है, जिसके ऊपर मी यू आई 11 या फिर मी यू आई 12 है, तो गाइज़ उसके ऊपर अगर आप अपने कॉलर स्क्रीन को चेंज करना चाहते हैं, यानी जब आपके फ़ोन के ऊपर कॉल्स आते हैं उस टाइम जो आपको स्क्रीन देखने के लिए मिलता है, जो इंटरफेस देखने के लिए मिलता है, उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं, साथ में अगर आप अपने डायलर को चेंज करना चाहते हैं बिना रूट के, तो गाइज़ आज का वीडियो देखते रहिए। उनके डायलर को या फिर कॉलर स्क्रीन को बिना रूट के चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन गाइज़ आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक बिल्कुल बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ, जिससे आप 2 मिनट के अंदर अपने फ़ोन के कॉलर स्क्रीन को एंड डायलर को पूरी तरीके से चेंज करके अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, पूरी वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो नीचे जो लाइक का बटन है उसको ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक काफ़ी सिंपल सा एप्लीकेशन अपने फ़ोन के ऊपर डाउनलोड कर लेना है। कौन सा एप्लीकेशन है वो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए, वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो दोस्तों, एप्लीकेशन को जब आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ परमिशन अलाउ करने होते हैं, तो एक एक करके यहाँ पे सारे परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। इसके साथ यहाँ पे एक ऑटो रीस्टार्ट का भी परमिशन है, आपको उसको भी इसको अलाउ कर देना है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करता है। तो गाइस सारे परमिशन को जब आप अलाउ कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक डायलर ओपन हो जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको सेटिंग्स के अंदर जा करके अपने कॉलर स्क्रीन को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन मिल जाता है। सो सबसे पहले तो दोस्तों, ये आपका एक बिल्कुल नया स्टाइल का एक डायलर हो जाता है, जिसको आप नॉर्मल ऐसा डायलर यूज़ कर सकते हैं, इससे कॉल कर सकते हैं। अब आपको दोस्तों यहाँ पे अपने कॉलर स्क्रीन को चेंज करना है, तो नीचे में आपको जो 3 डॉट्स दिखते हैं आपको इसके ऊपर टैप करना होगा, और यहाँ पे जो सेटिंग्स का आपको ऑप्शन दिख जाता है आपको उसके ऊपर चले जाना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा इनकमिंग आउटगोइंग कॉल्स का, आपको इसके ऊपर टैप करना है। अब दोस्तों, आपको एक ऑप्शन दिखेगा इनकमिंग कॉल स्क्रीन का, इसके ऊपर आप टैप करेंगे। एंड गाइज, अभी इस वाले एप्लीकेशन को आप जैसे ही इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके फ़ोन के ऊपर कुछ इस तरीके का एक कॉलर स्क्रीन आ जाता है, जिसको आप बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइंस में चेंज कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका आईफोन स्टाइल का कॉलर स्क्रीन है, जो कि डिफ़ॉल्ट पे हमारा हमको मिल जाता है जैसे ही हम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं दोस्तों एक बार कॉल करके आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में ये कॉलर स्क्रीन दिखता कैसा है अभी फ़ोन के अपने दूसरे फ़ोन से, और जब आप फ़ोन को अपने यूज़ करे होंगे तो इस तरीके से कॉल का नोटिफिकेशन आता है, उसके ऊपर आप टैप करेंगे तो आप देख सकते हैं एक बिल्कुल नए स्टाइल का कॉलर स्क्रीन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो भी सारे बटन्स हैं सारे बिल्कुल फंक्शनल होते हैं, साथ आपको बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन के कॉलर स्क्रीन लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप दोस्तों जाएंगे जब सेटिंग्स के अंदर एंड इनकमिंग कॉलर स्क्रीन के अंदर, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आंसर स्टाइल वाले ऑप्शन के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, गूगल है, आईफोन है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप जो भी चाहें यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैं एक बार गूगल वाले को ट्राई करके दिखाता हूँ आपको, हमने अभी गूगल के ऊपर सेट कर दिया उसको। गाइज, अब अगर फ़ोन आता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा गूगल स्टाइल का कॉलर स्क्रीन आ जाता है। तो गाइज़, इसी तरीके से आप आसानी से बिना रूट के इस एप्लीकेशन को यूज़ करके अपने फ़ोन के कॉलर स्क्रीन को एंड डायलर को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन की नाम की, तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम हो जाता है ट्रू फोन। आपको सिंपली प्ले स्टोर के ऊपर जाना है एंड ट्रू फोन लिख करके सर्च करना है, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो गाइस, वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर से कर दीजिए, एंड लेटेस्ट वीडियोस के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। थैंक यू वेरी मच।